हेलो जी, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। होली आने वाली है तो गुजिया बनाना तो बनता है। गुजिया तो दोस्तों आज हम बनाएंगे, पर आज हम कुछ अलग डिज़ाइन वाली गुजिया बनाने वाले हैं आपके साथ। ये गुजिया दोस्तों देखने में जितनी सुंदर लगती है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। बच्चे हों या बड़े, सबको गुजिया ये वाली बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज इसको मैंने कैसे बनाया है। दोस्तों एक परात ले लेंगे, परात में हम डाल देंगे 3 कप मैदा। दोस्तों आप क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब जितनी आपको गुजिया बनानी है उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप मेल्टेड घी। अब घी के साथ हम मैदे को अच्छे से दोस्तों हम मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करते जाइए, बहुत ही अच्छे से इसको रब करेंगे। मतलब इतने अच्छे से मिक्स करिएगा, इसमें जो हम घी डाला है ना दोस्तों, इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और एक खस्तापन देगा। इसलिए मोइन जो परफेक्ट डालना है बहुत ज़रूरी है। अगर जितना अच्छा मोइन हम परफेक्ट डालेंगे ना, जो हमारी गुजिया है बहुत ही खस्ता बन के तैयार होएगी। ये देखिए एक मुट्ठी बनना स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब जो हमने मोइन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इस स्टेज पे आपको जो मुट्ठी ना बने तो आप थोड़ा सा इसमें घी और ऐड कर सकते हैं, और हल्का हल्का हम पानी डालेंगे इसमें और अच्छे से इसका डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम पूड़ी का आटा बनाते हैं ना, उस हिसाब से इसका हम आटा डो तैयार करके रख लेंगे। ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना बहुत ज़्यादा टाइट आटा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट आटा अगर गूंद लेंगे तो उसको बेलने में बहुत आपको दिक्कत होगी। इस तरीके से आप जो आटा है ना ज़्यादा टाइट रखिएगा ना ज़्यादा सॉफ्ट रखिएगा। ये देखिए जो आटा है हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है हमने बना के तैयार कर लिया है। देखिए ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा टाइट है। इस स्टेज पे हम इसको ढक के रख देंगे और इसको सेट होने देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन में हम ले लेंगे दोस्तों 2 चम्मच देसी घी। अब त्योहारों में घी से बनी हुई चीज़ें तो बहुत स्वाद लगती हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी कटोरी हमने सूजी की ऐड की है, और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। मतलब इतने अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे ताकि जो सूजी का कच्चापन है ना दोस्तों वो निकल जाए। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। थोड़े से हमने लिए हैं काजू, थोड़ी सी चिरौंजी ली है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। अब अच्छे से देखिए हमने इसको रोस्ट किया है, सूजी की गर्माहट में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों ये वाली गुजिया, डिज़ाइनर गुजिया। एक बार इस तरीके से गुजिया को बना के देखिएगा। स्पेशली हम पुराने टाइप की गुजिया तो बनाते ही हैं, अगर आप वैसी डिज़ाइन वाली गुजिया बना बना के बोर हो चुके हैं ना, तो इस बार कुछ अलग करिएगा। इस बार ये वाली गुजिया ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 150 ग्राम हमने लिया है मावा, और मावे को भी हम सूजी के साथ ही अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए सूजी की गर्माहट में मावा भी अच्छे से हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो मावा है वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी अगर ड्राई फ्रूट्स आपको अगर पसंद नहीं है तो आप उसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। आप खाली इसको मावा और सूजी से भी बना सकते हैं, तब भी स्टफिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें हमने डाल दिया है आधी कटोरी हमने पाउडर शुगर की यूज़ की। आप चाहें अगर आप पाउडर शुगर ना निकालना चाहें तो आप गुड़ का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस गुड़ को अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और वो इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें हमने थोड़ी सी किशमिश भी ऐड करी है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये देखिए दोस्तों स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम टोटली ठंडा कर लेंगे। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब डो भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हमारा तैयार हो चुका है, अच्छे से इसको दोबारा से एक बार नीट कर लेंगे। दोस्तों इस होली पर आप एक बार इस डिज़ाइनर गुजिया को ट्राई ज़रूर करिएगा। अब थोड़ा सा पोर्शन जो है दोस्तों हम कट कर लेंगे, इसको हम अलग रख लेंगे और इस वाले क्वेश्चन को हम अलग रख लेंगे। देखिए बिल्कुल हमारा जो अब डिज़ाइनर गुजिया है ना बहुत बढ़िया बनके तैयार होती है। अब एक ले लेंगे बीटरूट, और बीटरूट को अच्छे से हम ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको ग्रेट करना है, बहुत ही अच्छे से इसको ग्रेट करते जाइए। तो इसका जो बिल्कुल रेड रेड सा जो कलर आएगा ना हमारी गुजिया में, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है ये। अब एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लीजिए, इसमें बीटरूट को डालिए और इसका हम जूस निकाल लेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लीजिएगा और इसमें डाल के इसका जूस निकाल लीजिए। देखिए ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मैंने अभी से ही होली खेलना स्टार्ट कर दिया है। मेरे हाथ भी जो थे ना बिल्कुल रेड हो चुके थे बीटरूट की वजह से। देखिए बिल्कुल रेड रेड सा जो हमारा जूस है वो निकल के तैयार हो चुका है। अब जो हमने डो निकाला था ना, इसमें हम थोड़ा सा बीटरूट डालेंगे और इसको हम अच्छे से नीट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको नीट कर लीजिएगा। अगर इस देश में आपको थोड़ा थोड़ा अगर गीला लगे डो तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा और डाल सकते हैं और फिर इसको नीट कर सकते हैं। और मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे मैदा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये देखिए बीटरूट वाला जो डो है वो भी हमने रेडी करके रख लिया है। अब इस डो में से हम छोटा सा एक पोर्शन ले लेंगे और इसको अच्छे से राउंड राउंड कर लेंगे और फिर इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हर बार हम वही पुरानी डिज़ाइन वाली गुजिया तो बनाते ही हैं, पर इस बार इस
डिजाइनर वाली गुजिया को भी ट्राई जरूर करिएगा, बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। और आप किसी गेस्ट को भी खिलाएंगे ना तो वो भी देख के बहुत खुश होगा कि आपने डिजाइनर गुजिया को कितने ही बढ़िया तरीके से बना के तैयार किया है। अब अच्छे से इसको बेलेंगे, जिस तरह से एक बड़ी रोटी बेलते हैं ना, बस वैसे ही एक बड़ी सी रोटी बना के इसको हमने बेल लेना है। अब शेप में मत जाइए क्योंकि इसको हमने बाद में कट ही करना है। अब इसी तरीके से जो बीटरूट वाला जो पार्ट था ना, इसको भी हम इस तरीके से बेल लेंगे, जैसे हमने वाली रोटी बेली थी इस तरीके से इस वाली रोटी को भी बेल लेंगे। पर दोनों रोटियों को इक्वल ही हमको बेलना है, मतलब छोटी बड़ी नहीं बेलेंगे, इक्वल साइज में ही हमको इसको बेल लेना है। अब इसके ऊपर हम ये वाली बीटरूट वाली जो रोटी है वो भी इसके ऊपर रख देंगे और बिल्कुल इसको इक्वल कर लेंगे। अब मैदे की वजह से क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी श्रिंक होना भी स्टार्ट हो जाती है। अब हाथों से हल्के हल्के से आप फैलाएंगे ना तो बिल्कुल इवनली ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। देखिए कितनी ही सुंदर इसमें जो कलर आने वाला है ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर कलर आने वाला है गुजिया का। हमारे घर में तो ये गुजिया बहुत पसंद की गई थी, जब मैंने बनाई थी ना सब देखते ही रह गए थे कि गुजिया तुमने बनाई कैसे। अब बीच में से दोस्तों इसको हम कट कर लेंगे, इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। और ये वाला जो डो है इसके ऊपर अब इस तरीके से इस तरह से रखिए और इसको भी अच्छे से हम बिल्कुल अच्छे से इसको फैला लेंगे ताकि इवनली बिल्कुल जो है ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। हर बार होली पे हम पुराने डिजाइन वाली गुजिया अगर बना बना के बोर हो चुके हैं और खा खा के अगर बोर हो चुके हैं ना, तो एक बार इस डिजाइनर गुजिया को भी ट्राई करके देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। अब हल्के हाथों से ना बिल्कुल टाइटली, हल्के हाथों में हल्के हाथों से भी करना है और टाइटली भी हल्का हल्का ऐसे इसको रोल करते जाना है। देखिए अच्छे से इसको हम रोल करते जाएंगे, देखिए अच्छे से हमने इसको रोल करना स्टार्ट कर दिया है और अच्छे से रोल भी हो चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से एक बार दोबारा से इसको हम प्लेटफॉर्म के ऊपर, देखिए कलर कितना ही सुंदर आया है। अब इसको हम नाइफ से कट कर लेंगे। अभी मैं आपको बीच में से इसका कलर दिखाती हूँ, कितना ही सुंदर बिल्कुल परफेक्ट कलर जो है बनके रेडी हो चुका था। देखिए व्हाइट एंड पिंक का जो कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब भी करेगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इसमें से एक छोटी सी लोई लीजिए और इसको बेलना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जिससे हम छोटी सी पूड़ी पर बेलते हैं ना, उस हिसाब से इसको बेलना स्टार्ट करिए। देखिए बीच का जो कलर कितना सुंदर आया, रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे गुजिया वाला मोल्ड, इसमें हम इसको रख लेंगे। इस तरह से गुजिया भरते हैं बस वैसे ही हम इसको भरना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग इसमें मत भरिएगा, मतलब जितनी मतलब इतनी कम भी मत भरिएगा और इतनी ज़्यादा भी मत भर दीजिएगा कि हम इसको जब प्रेस करें तो हमारी गुजिया फट जाए। तो हल्की हल्की से इसमें स्टफिंग भरिए, बहुत ज़्यादा स्टफिंग मत भरिएगा, और थोड़ा थोड़ा हम जो साइड्स में है वो पानी को लगा लेंगे और फिर इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से दोस्तों इसको प्रेस करिए, बहुत ही सुंदर सी हमारी गुजिया की जो शेप है वो बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए जो एक्स्ट्रा बार्ड है वो हम डो में दोबारा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी ही डिज़ाइनर हमारी प्यारी सी जो गुजिया है वो बनके रेडी हो चुकी है। इस तरीके से मैंने सारी गुजिया को बना के तैयार कर लिया है। चलिए अब चलते हैं इसको फ्राई करने की ओर। मैंने पहले से ऑयल रखा हुआ था गर्म होने के लिए, टूथपिक डाल के देखी है दोस्तों, ऑयल बिल्कुल टेम्परेचर जो है ऑयल का बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम मीडियम हॉट ऑयल में दोस्तों गुजिया को फ्राई करेंगे, बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करेंगे दोस्तों। देखिए इस टाइम पे करछी आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा, अपने आप ये गुजिया देखिए कलर आना स्टार्ट हो चुका है इसमें बिल्कुल। अब करछी से इसको हल्का हल्का हम पलट देंगे ताकि ऊपर नीचे अच्छे से ये दोस्तों क्रिस्प हो जाए, और ये वाली जो गुजिया है ना दोस्तों खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए कलर कितना ही सुंदर आ चुका है, बिल्कुल सुनहरा इसमें कलर आ चुका है। अगर आपको और ज़्यादा फ्राई करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा इसको और फ्राई कर सकते हैं, और मुझे जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इस स्टेज पर मैं गुजिया को निकाल लूँगी, जो हमारी गुजिया है बिल्कुल परफेक्ट जो है बन के रेडी हो चुकी है। बिल्कुल और आपको मीडियम हॉट ऑयल में ही इसको फ्राई करना है। देखिए गुजिया हमारी परफेक्ट जो है बन के रेडी हो चुकी है, पर मुझे चाहिए चाशनी वाली गुजिया, हमारे यहाँ चाशनी वाली गुजिया ही पसंद की जाती है, पर अब मैं इसके लिए बनाने वाली हूँ चाशनी। अब एक पैन में हम ले लेंगे आधी कटोरी हमने चीनी ली है, अब आधी कटोरी हम पानी का ही ले लेंगे और अच्छे से हम चाशनी को उबलने देंगे। ये देखिए चाशनी हमारी अच्छे से उबल चुकी है, और ये देखिए बिल्कुल चिपचिपी हमको चाशनी चाहिए, एक तार वाली चाशनी, दो तार वाली नहीं, बिल्कुल चिपचिपी वाली कंसिस्टेंसी चाहिए हमको चाशनी की। अब चाशनी हमारी अच्छे से बन चुकी है, गुनगुनी चाशनी में चाशनी को मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया था, बिल्कुल गुनगुनी है चाशनी। अब इसमें गुजिया को हम डालते जाएंगे और अच्छे से इसको हम उलटते पुलटते हुए इसको हम जो चाशनी है ना अच्छे से गुजिया को एब्सॉर्ब कर लेगी,
और हमारी चासी वाली जो गुजिया है ना दोस्तों बनके रेडी हो जाएगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ये देखिए चाशनी वाली गुजिया भी हमारी परफेक्ट बनके रेडी हो चुकी है। 5 से 7 मिनट के लिए आप चाशनी में रखिए, देखिए कितनी ही खस्ता हमारी गुजिया बनके रेडी हो चुकी है। स्टफिंग देखिए कितनी ही